नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पर। आज का जो वीडियो है वो है बीएड 2017 का प्रीवियस साल प्रश्न पत्र। श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य ज्ञान। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? हाइग्रोग्राफ। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? बी विक्टोरिया झील। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। फोर का बी ऑप्शन। स्लेट और संगमरमर है कायंत्री चट्टान। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सिक्स का राइट ऑप्शन सी जापानी। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। पाल वंश का शासक कौन था? इलेवन का राइट ऑप्शन ए गोपाल। इलेवन का ए गोपाल था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सी गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 13। सर थॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सी रैयतवाड़ी। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 14 का बी 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? 15 का डी औरंगजेब को। राज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 डी 1923। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 24 का डी 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? सी 6 माह। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? 26 का ए राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 27 का डी 1959।
पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, 28 का एक ग्राम स्तर पे होता है। वर्ष 2016 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? 29 का ए शुभा मुद्गल। वर्ष 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज देने की घोषणा की गई थी? 30 का ए हांगकांग। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज देने की घोषणा की गई थी हांगकांग को। वर्ष 2016 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 31 का बी बर्नार्ड एल फोरिंगा। वर्ष 2016 का मिस वर्ल्ड चुना गया था? 32 का राइट ऑप्शन बी स्टेफन डेल। वर्ष 2016 का मिस वर्ल्ड चुना गया था स्टेफन डेल को। फ्रेंच ओपन 2016 का पुरुष एकल खिताब जीता? 33 का ए नोक जोकोविच। 22 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नई दिल्ली के लिए रेलगाड़ी का शुभारंभ किया था? 34 का राइट ऑप्शन ए नालंदा एक्सप्रेस। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है? 35 का डी उपर्युक्त तीनों इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है? 36 का सी दोनों डिजिटल संकेतों का एनालॉग संकेतों का दोनों का। क्वेश्चन नंबर 37 एक किलो बाइट बराबर होता है? 37 का सी 8 बिट की ध्वनि गुजर नहीं सकती है। 38 का डी निर्वात से विद्युत की मात्रा की इकाई है। 39 का ए एम्पियर, एम्पियर इकाई है विद्युत मात्रा की इकाई का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकी किससे संबंधित है? 40 का ए आनुवांशिकता से रक्त समूह का आविष्कारक है। लैंड स्टीनर पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 43 का बी आयात निर्यात बंद जब हो उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुआ? 44 का बी 1951 में। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? 45 का सी क्रॉमर ने। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुआ? 46 का सी 1964 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? 47 का बी साहित्य से। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 48 का ए 30 जनवरी को। विश्व डॉग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 49 का सी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। 50 प्रश्न समान ज्ञान के समाप्त। 50 प्रश्न अब हिंदी के। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? 51 का सी खड़ी बोली। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 52 का बी पूर्वी हिंदी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 53 का सी 33। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? 54 का डी इया। साखी की रचयिता कौन है? 55 का सी कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी हैं साखी की रचयिता। भ्रमर गीत की रचयिता कौन है? 56 का राइट ऑप्शन ए सूरदास जी हैं। तो साखी की रचयिता जहाँ कबीरदास जी हैं वहीं 56 भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के नाम हैं? 57 का राइट ऑप्शन बी अज्ञेय जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं?
58 का डी मैला आंचल के यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। 59 का सी यण संधि, यण संधि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। 60 का डी पवन, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, पवन। मनोयोग का सही संधि विच्छेद कीजिए। 61 का बी मन धन योग। सन्मति का सही संधि विच्छेद कीजिए। 62 का डी सतधनवती, 62 का डी। और श्रावण का सही संधि विच्छेद है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। 63 का डी श्रोधन अन। क्वेश्चन नंबर 64, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 64 का सी 5। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। 65 का डी अतिधन आचार, अतिधन आचार किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ओढ़ना में। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 67 का ए इष्ट प्रत्यय है कनिष्ठ में। 68 का निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर उपसर्ग है। 68 का सी कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ने से बनते हैं। 69 का राइट ऑप्शन डी क्रिया से। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन से हैं। 70 का डी सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है जो कि सुयोग विदेश अत्यधिक ये उपसर्ग रहित नहीं है, उपसर्ग रहित शब्द सुरेश है। गौशाला में कौन सा समास है। 71 का ए तत्पुरुष समास। चक्र प्राणी में कौन सा समास है। 72 का सी बहुवीरी समास। नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। नवग्रह में द्विगु समास है, नवग्रह में द्विगु समास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। 75 का डी लोटा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 76 का ए शत्रुता। आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं। अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। सेना का पर्यायवाची शब्द है। 79 का सी अनिक। सेना का पर्यायवाची शब्द अनिक। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। धरती का पर्यायवाची शब्द है। 81 का डी अचला। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 82 का बी अंबक। व्योम नव अनंत है लेकिन अंबक नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक गमन का विलोम शब्द है। 84 का सी आगमन। मौन का विलोम शब्द है मुखर। परोच शब्द का विलोम शब्द है। 86 का ए प्रत्यक्ष। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। 87 का सी कृतज्ञ। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं। 88 का राइट ऑप्शन ए नश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित हो। 89 का सी सधुआ। वह स्त्री जो अभिनय करती है। 90 का सी अभिनेत्री। 90 का सी थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ 92 से 93 दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प को चुनिए। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति समाचार पत्र जन साधारण के विचारों की
इक्यानवे डेडलाइन करने का साधन है। समाज देश और विश्व में घटने वाले दिन प्रतिदिन की डेडलाइन बानवे डेडलाइन का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार है। बानवे का जो भरा जाएगा इसमें क्या होगा, 92 का बी अभिव्यक्ति, 92 में अभिव्यक्ति भरा जाएगा, 93 में सी घटना, 94 में ए तत्सम भरा जाएगा। बहनोई शब्द का तत्सम है। नाइन्टी फाइव का सी। बहनोई शब्द का तत्सम है भगनीपति। ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। घर बसाना का अर्थ है, घर बसाना का अर्थ विवाह करना। चरण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है, 98 का सी। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 99 का सी। 16 वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। द्वितीय प्रश्न पत्र खंड बा 1 से 5 प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर आकृति संख्या को चुनें। अनाज का गोदाम जल का क्या होगा, बी बाद। मछली गलफड़ा मानो फेफड़ा। मिस्त्री स्पैनर बढ़ई आरी। 15:220 9:25 4 का ए 600 यहाँ। 16:49 9:100 5 का डी 169। 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी अक्षर समूह में 2-2 का अंतर है जबकि एच एफ डी सी में इस नियम का पालन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। यहाँ पे ए वाला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बुद्धिमान नियमनिष्ठ मूर्ख व्यापक, 7 में सी मूर्ख चारों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 फरवरी 28 बाकी सभी 31 के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भतीजी को छोड़कर सभी पुल्लिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मौनजक में किसी भी अक्षर को पुनरावृत्ति नहीं हुई जबकि सभी अक्षरों में समूह में किसी न किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहाँ पे जी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही अक्षर है। क्वेश्चन 11 में ए 19 रूढ़ी संख्या है, 19 रूढ़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया गया है 26 126 फिर 65 513 10 27 17 65 12 का सी। निर्देश प्रश्न 13 से 14 तक प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 13 का राइट ऑप्शन बी। पहले भ्रूण फिर नवजात फिर शिशु तब बालक।
बी ऑप्शन राइट। प्लास्टर पेंटिंग न्यू दीवारें छत, तो पहले न्यू फिर दीवार फिर छत फिर प्लास्टर फिर पेंटिंग, यानी डी न्यू फिर दीवार तब छत तब प्लास्टर तब पेंटिंग। निर्देश प्रश्न 15 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। जेड 3A डब्ल्यू 5D टी 8G क्यू 12J, तो 15 का बी राइट ऑप्शन, 15 का बी, 16 का राइट ऑप्शन बी, डी जी जे FIL HKN JMP, तो यहाँ 16 में भी बी, 17 में डी, 321 301 क्वेश्चन मार्क 181 21, 17 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा डी 261। 18 में 2816 क्वेश्चन मार्क 176 44 11 राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 का ए। 19 का 1 5 21 57 121 क्वेश्चन मार्क डी। 20 ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बी का राइट ऑप्शन ए, डी ए का मामा है, डी ए का मामा है। इसी प्रकार 19 में डी वाला सही था। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है। बी ममेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है। पर पोता। क्वेश्चन 23, पी और क्यू का भाई है, पी और क्यू भाई हैं, आर तथा एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है। 23 का ए, 23 का ए चाचा, यदि पी से अभिप्राय भाग क्यू से अभिप्राय है गुणा आर से अभिप्राय है प्लस एस से अभिप्राय है माइनस, तो 18 क्यू 12 पी 4 आर 5 एस 6 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए 53, ये आंसर की आपको बीएड द्वारा जारी की गए आंसर किसी से बताया जा रहा है। अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्शन इसमें या फिर संशय लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25, यदि बी बराबर 2 और बॉक्स बराबर 41 है तो टॉय बराबर क्या होगा। 60, यदि किसी कूट भाषा में LIBERATE को 56 42 31 72 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRIBAL ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। यदि लाइब्रेट को 56 42 31 72 के रूप में लिखा जाता है तो ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा, ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। 26 राइट ऑप्शन ए।
यदि सी बराबर 3 और पुलिस बराबर 89 तो पॉइंटर बराबर। तो ट्वेंटी सेवन का राइट ऑप्शन सी। यदि सी बराबर 3, सॉरी इसमें सी रहेगा 97। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कूट भाषा में टॉप्स को GBCF लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में SPOT को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, 25 का डी हो जाएगा। 25 में राइट ऑप्शन डी, 26 में राइट ऑप्शन ए और 27 में राइट ऑप्शन सी होगा। एक बार इसलिए मिला लिया जा रहा है ताकि कोई गलती ना हो। और 28 का राइट ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 से, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है तो उस माह का 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। 29 का सी मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 30, मैं लाइन में दोनों तरफ से सातवां हूँ, लाइन में कितने व्यक्ति हैं। सी 13। 31 से 32 तक निर्देश, नीचे दिए गए खाली स्थानों पर अक्षरों का कौन सा समूह क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। एम डैश ओ डबल एम एन, फिर डैश एम एन ओ डबल एम, फिर एन, फिर डैश, फिर एम। 30A का बी एन ओ एम ओ। 32 डैश है पी एस आर क्यू, डैश एस आर क्यू पी, फिर डैश आर क्यू पी एस। 32 का सी क्यू पी एस आर। पी क्यू आर और एस चार क्रमानुसार महीने हैं जिनमें पी और एस में 30 दिन है, एस का कौन सा महीना है। 33 का सी सितंबर। 33 का सी सितंबर। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ के 3 किलोमीटर चला, हुआ फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में हुआ पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू हुए स्थान से अब किस दिशा में है। डी दक्षिण दिशा में है अशोक। हल प्रश्न पत्र 2017 का 35वां नंबर क्वेश्चन। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या रिश्ता है। 35 का डी पोती। यदि यह बराबर 6 और जॉय बराबर 50 तो ओ बी एस ई आर वी ई बराबर कितना होगा। 36 का राइट ऑप्शन सी 86। 36 का सी 86। अगर रमन को 12325 लिखा जाए और दिनेश को 6749 तो हमाम को कैसे लिखा जाएगा। बी 92323। 92323। यदि मार्स को ZNEF लिखा जाए तो आर्म्स को उस संकेत में कैसे लिखेंगे। 38 का ए। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर अभि होगा। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 का सी 3 दिन। फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र के पिता हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। पति और पत्नी। फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें एक दूसरे के पुत्र के पिता हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो पति और पत्नी। रेणु से
आयु में सती बड़ी है, रेणु से आयु में गीता छोटी है, सती से आयु में प्रिया बड़ी है, इन सबों की आयु में सबसे वृद्ध कौन सा है? 42 का ए प्रिया। 43 से 45 दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। सिग्नेचर SIGNATURE। 43 का सी तिरालीस का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 43 का राइट ऑप्शन सी, सेंटर नहीं बनाया जा सकता। इंटेलिजेंस यानी 44 नंबर INTELLIGENCE से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? 44 से ए जेंस GENES नहीं बनाया जा सकता। मैथमेटिक्स MATHEMATICS से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? 45 सी टिक नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, जो कि 45 के बाद। क्वेश्चन नंबर 46, पांच विद्यार्थी ए बी सी डी हैं तथा ई एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और बी के बीच ई और बी के दाईं ओर ए है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सी, यानी कि सी बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 से 48 तक दिए गए आकृति में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लुप्त अंक कौन सा होगा? 47 का सी, यहाँ पे 19 आएगा, लुप्त अंक में 19 यहाँ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में लुप्त संख्या कौन सा है? 48, 48 का यहाँ पे लुप्त संख्या है 52। क्वेश्चन नंबर 49, वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतनी ही दूरी है जितनी क्यू और एक्स से है? 49 का राइट ऑप्शन बी। और माला का कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी है जितनी क्यू और एक्स हैं? तो जे है, यानी कि 49 का राइट ऑप्शन बी। राजू दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं और तब दाहिने, तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? 50 का ए दक्षिण पश्चिम। खंडवा सब्जेक्ट से संबंधित गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? 51 का ए लोथल। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 52 का डी महाराष्ट्र। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 53 का ए अमृतसर। 53 का ए किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीगार लगवाया? 54 का सी शाहजहां ने। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? 55 का बी गुरु तेग बहादुर जी का। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? 56 का सी महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? 57 का डी कोयला। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 58 का सी अमेजन। 59, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बी पैनामा नहर। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? 60 का बी होंगो। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो यहाँ पे 61 का ए काली मिट्टी। मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है? 62 का डी विंध्य। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? विंध्य पर्वत कहा जाता है। 62 का बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 63 का सी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ, इस समय पारित हुआ और प्रभावी या लागू 1950 से हुआ, या लागू जिसे कहते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 64 का सी लोकसभा अध्यक्ष।
सम मूल्य से संबंधित होता है। 65 का डी वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है उसे सम मूल्य कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? 66 का ए हेग। ओजोन परत का मुख्यतः कारक क्या है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तत्कालीन नृत्य का उद्गम किस राज्य से हुआ है? 68 का बी केरल। कथकली केरल। मुद्रा स्फीति एवं मूल वृद्धि के काल में मृदा की पूर्ति 69 का बी बढ़ जाती है। मुद्रा स्फीति एवं मूल वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 70 का डी मनीला। हुमायूं नामक की रचना किसने किया था? गुलबदन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? 72 का बी ब्रिटेन। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? बी महानदी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 74 का सी राष्ट्रपति। कालीबंगन किस राज्य में विद्यमान है? सी राजस्थान। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? 76 का बी क्यूबा। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? 78 का सी यूरेनस। 78 का सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष। अभी ये 65 वर्ष है, यहाँ पे गलत ऑप्शन। निम्न में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्न में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? क्वेश्चन नंबर 80 का सी बहादुर शाह सेकेंड। प्राकृतिक बाग जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 81 का बी तटबंध कहते हैं। 1909 ईस्वी का मॉन्यूमेंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? 82 का राइट ऑप्शन ए है, पृथक निर्वाचन मंडल से। दो सागरों को अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? 1909 ईस्वी का मॉन्यूमेंटो सुधार किस कारण से चर्चा में रहा? तो पृथक निर्वाचन मंडल। दो सागरों को अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? 83 का बी जल डमरू मध्य कहते हैं। मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में, मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा में क्या हो? 84 का सी। 84 का सी ऑप्शन राइट। व्युत्क्रमानुपाती संबंध में और प्रतिलोम संबंध भी, मांग वक्र जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी है। मांग वक्र 84 का सी। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? 85 का सी मांग और पूर्ति के द्वारा। जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत? 86 का डी इनमें से कोई नहीं। जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय को प्रारंभ करता है साहसी। व्यवसाय को प्रारंभ करता है 87 का बी साहसी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, परिभाषा है 88 का डी हार्टले विदर्स। 89 द्रव्य के माध्यम से किए जाने वाला विनिमय क्या कहलाता है? 89 का सी क्रय मूल्य। द्रव्य के माध्यम से किए जाने वाला विनिमय क्रय मूल्य। वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? सी अपूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रोबिंसन। वितरण में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है? वितरण में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है
जो उद्योग होते हैं उन्हें उद्योगी कहते हैं, उनका हिस्सा प्राप्त होता है 92 का ए सबसे बाद में, उद्यमी का हिस्सा सबसे बाद में प्राप्त होता है, उद्योग लगाने वाले जो होते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? 93 का ए सूरत। एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कनाडा और अलास्का में रहते हैं, यानी कि डी एस्किमो कनाडा और अलास्का में रहते हैं। निम्न नदियों में कौन सी रिप्त घाट में स्थित है? 95 का डी ताप्ती। निम्न नदी में कौन रिप्त घाटी में? ताप्ती। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? 96 का सी शुक्र। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 97 का ए 12। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 98 का डी 1942। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? 99 का सी जहांगीर। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर पाया जाता है? गोदावरी। ये था आज का वीडियो। बीएड के संपूर्ण क्वेश्चन, अगर पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।